नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। राजधानी देहरादून में 26 जनवरी से पहले पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। देहरादून कैंट थाने की पुलिस ने आज भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। करीब 8000 कारतूसों के खोखे और 119 जिंदा कारतूसों के साथ आज पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। देहरादून में आर्मी इलाके से चोरी हुए कारतूस के 8000 खोखों के साथ पुलिस ने 3 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से जिंदा कारतूस भी मिले। चारों कबाड़ी का काम करते हैं, जिनमें से तीनों महिलाएं मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं, जो हाल में ही खुड़बुड़ा इलाके में रहकर कबाड़ बिनने का काम करती हैं। वहीं चौथा आरोपी मुस्तकीम सहारनपुर का रहने वाला है, वह कबाड़ी की दुकान चलाता है। इनके पास से SLR के 129 जिंदा कारतूस मिले हैं। बताया जा रहा है कि यह सभी कारतूस चोरी के हैं। पुलिस ने इनको गढ़ी कैंट क्षेत्र के आर्मी इलाके गंगोड़ा से बरामद किया है। पूरे मामले में आर्मी इंटेलिजेंस सहित LIU और IB लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं इतनी बड़ी कारतूस के खेप मिलने से पूरे पुलिस और खुफिया तंत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस और खुफिया महकमा इस बात का पता लगा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस की खेप आखिरकार VVIP इलाके में आई कहां से। आर्मी इलाके में इस प्रकार की जिंदा कारतूस मिलना अपने आप में गंभीर विषय है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। देखिए, ये SOG और जो स्थानीय पुलिस है उसकी टीम के द्वारा ये कारतूस बरामद किए गए हैं। 4 जो हमारे जो एक कबाड़ी वाला और 3 जो कबाड़ चुकते हैं उनके द्वारा बरामद हुआ है, और ये कैंट थाना क्षेत्र के पास से ये बरामदगी हुई है। और जो खोखे मिले हैं, लगभग 8170 खोखे और करीब 119 जिंदा कारतूस, ये सारे चूँकि प्रोहिबिटेड वॉर के हैं और ये किसी स्पेशल फोर्स के लिए ही दिए जारी किए जाते हैं, इसलिए ये जांच का विषय है कि ये उन्हें उनके पास कैसे पहुंचा और उन्होंने किस प्रकार बेचा। तो ये हमारे लिए जो हमारी स्थानीय पुलिस है, जो SOG है, उसके अलावा इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और जो अन्य जो एजेंसियां हैं उन सभी को इसके बारे में खबर कर दी गई है कि वे लोग भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, कैसे उन्हें कैसी चीज़ें मिली हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या पहले भी ऐसे खोखे या ऐसे जो अमनिशन गायब हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। छात्रा सोनी हत्याकांड को लेकर राष्ट्रीय लोक दल नेता जयंत चौधरी पीड़ित परिजनों से मिले। राष्ट्रीय लोक दल नेता ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलवाए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान पार्टी के दर्जनों नेता साथ रहे। राष्ट्रीय लोक दल नेता जयंत चौधरी शाम के समय अपने काफिले के साथ गाँव घड़ीश्याम में छात्रा सोनी कश्यप के घर पहुंचे। जयंत चौधरी ने काफी देर तक मृतक छात्रा के पिता बिरसैन से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी हासिल की। जयंत चौधरी ने कहा कि पुलिस ने छात्रा सोनी की निर्मम हत्या पर शोक जताते हुए पीड़ित परिवार का ढांढस बढ़ाया। जयंत चौधरी ने कहा कि घटना के बाद समाज के लोगों में बहुत ही उबाल था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि बिना किसी पक्षपात के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। पुलिस कोर्ट में सभी तथ्य पेश करें। न्याय व्यवस्था में हम सभी का विश्वास है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश की शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। सोनी कश्यप नाम की एक बच्ची की निर्मम हत्या की गई। इस घटना को अब कई दिन हो चुके हैं और जब कार्रवाई संतोषजनक नहीं थी उस समय लोगों में एक बड़ा उबाल आया, पंचायतें हुई, हमारे दल के लोग भी यहाँ आए। मैं आज यहाँ शामली में था और मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं परिजनों से आके मिलूं और जो भी हो सकता है ढांढस बांधने का काम हमने आज कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें कोई पक्षपात नहीं करेगी और न्याय व्यवस्था में हम सबका विश्वास है। जो दोषी थे उनको पकड़ लिया गया है, बस ये है कि सही तहकीकात हो और सही रूप से जो तर्क हैं, जो तथ्य हैं, वो कोर्ट में पेश किए जाएं, उनको सजा दी जाए। का जो क्षेत्र है सर, उसमें इतनी बुरी हालत है, वहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मेयर महोदय से पहले भी हम निवेदन कर चुके हैं, परंतु मेयर महोदय ना MLA साहब हमारी सुन रहे हैं। वहाँ पतली पतली जो गलियाँ हैं वहाँ सफाई के लिए ना डोर टू डोर कूड़ा उठ रहा है। स्थानीय लोग क्या करते हैं, डोर टू डोर कूड़ा ना उठने के कारण वहाँ नाले में कूड़ा डाल देते हैं। उनका कोई पशु जैसे कुत्ता बिल्ली मर जाते हैं तो वो कूड़े में डाल देते हैं, वो सड़ जाता है, वहाँ इतनी बदबू आ जाती है, क्षेत्रवासियों को इतनी असुविधा उत्पन्न हो रही है।
हम इनसे बार बार निवेदन कर चुके हैं मेयर महोदय से पहले भी वार्ड नंबर 6 के माध्यम से कि 6 में जहाँ पतली संकड़ी गलियाँ हैं जहाँ आपकी डोर टू डोर कूड़ा गाड़ी बड़ी गाड़ी के माध्यम से नहीं उठ सकता वहाँ रिक्शे से कूड़ा उठाया जाए। मेयर महोदय ने हमें पहले भी ये कहा था कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे और जल्दी वहाँ कोई रिक्शे की व्यवस्था करेंगे, परंतु वहाँ कोई रिक्शे की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। स्थानीय पार्षद का क्या कर भाजपा दफ्तर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जहर खाने से ट्रांसपोर्टर की मौत का मामला अभी थमा नहीं है कि दूसरी ओर एक और ट्रांसपोर्टर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने ट्रांसपोर्टर को सीएम आवास के समय पकड़ा है। हालांकि पुलिस हिरासत में ट्रांसपोर्टर ने आत्महत्या की बात से इनकार किया है, जबकि दूसरी ओर कारोबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें ट्रांसपोर्टर ने कारोबार में नुकसान होने की बात कही है, साथ ही सरकार और प्रशासन पर सुनवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। ट्रांसपोर्टर संजय बिष्ट रामनगर के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सीएम हाउस आत्महत्या करने जाते वक्त ट्रांसपोर्टर को हिरासत में लिया। पुलिस ने ट्रांसपोर्टर को हाथी बड़कला चौकी में रखा है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक व्यक्ति जो अपने को संजय बिष्ट बता रहे थे, उन्होंने अपने को कहा था कि मैं वो आत्मदाह करेंगे और जैसा कि आत्मदाह या कोई भी आत्मघाती कदम जो भी होता है वो एक अपराध है और लेकिन प्रिकॉशनरी उनको जो है उनको रोका गया, उसकी जांच की गई और रोका गया और रोक करके फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। रुड़की जैन मंदिर में लाखों की चोरी होने से जैन समाज ने उठाया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों के द्वारा सिविल लाइन कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला कानून गोयान स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने जैन मंदिर को निशाना बनाया गया। अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर के अंदर रखी हुई अष्ट धातु की मूर्तियों सहित दान पात्र पर अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर के ताले तोड़कर चोरी कर लिए हैं। अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर के अंदर रखी हुई अष्ट धातु की मूर्तियां सहित दान पात्र पर अज्ञात चोरों के द्वारा मंदिर के ताले तोड़कर चोरी कर लिए गए। सुबह होने पर मंदिर के सेवक ने मंदिर में बिखरा सामान देखा, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। फिंगर एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। माली ने फोन किया कि मंत्री जी यहां पे कुछ हो गया है, लाइट जल रही है, तुरंत मैं मेरा बेटा मेरे बच्चे और सब हम यहाँ पे आए और यहाँ पे देखा फिर मंदिर खोल के दरवाजा मेरे सामने खोला। कानून गोयान स्थित प्राचीन जैन मंदिर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है और इसमें कुछ क्लू हाथ लगे हैं जिसके आधार पर काम किया जा रहा है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।